सत श्री अकाल पंजाब न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं हरविंद कौर स्वागत करती हूँ। खबर की शुरुआत कर लें सुर्खियों के नाल। पंजाब सरकार दे वल्लों साइलोस संबंधी नोटिफिकेशन वापस लैण उत्ते बोले किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल, कहा खुश होने की नहीं है लोड़, चोणां दे मद्देनजर विरोध तो डरदिआं लिया गया फैसला वापस। केंद्र सरकार का हाथ ठोका बन के पंजाब नूं गुलाम बना रहा है भगवंत मान। भाना सिद्धू का बयान, किसानी मुद्दे उत्ते घेरी मान सरकार। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान ने लोगों नूं सोच समझ के वोट पाउण दी दित्ती सलाह, कहा अपना आजाद मुल्क कायम करने लई वोट हक की सूझवानता नाल कीती जावे वरतों। कर्जे दे भार हेठां डुबदा जा रहा है पंजाब। सरकार एक बार मुड़ भारतीय रिजर्व बैंक तो कर्जा लैण की बना रही है योजना। विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा ने पोस्ट शेयर करदिआं घेरी मान सरकार। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। जिहड़े काले कानून रद्द करवाउण लई किसान पूरा साल दिल्ली विच धरना ला के बैठे रहे ते सैकड़े कुर्बानियां दे के रद्द करवाए गए, ओही काले कानूनां विच्चों एक कानून भगवंत मान सरकार ने पिछले दिनी पंजाब दे विच लागू कर दिता सी ते जदों विरोध होया तां बड़ी चलाकी नाल उसनूं रद्द भी कर दिता गया ते हुण पंजाब सरकार दे वलों साइलोस संबंधी नोटिफिकेशन वापस लैण उत्ते किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल दा बयान सामने आया। उन्हां दा कहना है कि हाल दी घड़ी सरकार ने केवल वोटां नूं ध्यान दे विच रखदे होए इह फैसला वापस लिया ते चोणां खत्म हुंदे ही सरकार मुड़ सरकारी मंडियां नूं खत्म कर सकदी है। डील करन दा इह उपराला लगातार करदियां रहणगियां सरकारां जिन्नी देर तक लोक तैयार नहीं हुंदे, इस करके लोकां नूं इस लंबी और वड्डी लड़ाई लई तैयार रहना चाहीदा है। मैं पंजाब सरकार दे इस कदम दी शलाघा बिल्कुल नहीं करदा। मैं समझदा उन्होंने दबाव हेठ आके नोटिफिकेशन वापस ली है ते लोकां नूं तैयार होण वास्ते मैं सद्दा दिंदा। फिलहाल साडा फैसला यह है स्कीम का भी असीं भाजपा नूं सवाल करांगे जदों पिंडां च आउणगे भी सानूं दसो तुसीं साडे अगे किल क्यों कड्डे, हुण किहड़े मूंह नाल वोटां मंगण आए हो, तुसीं साडे अगे सत सत लेयर ते बैरीकेड सीमेंटेड बैरीकेड क्यों खड़े कीते, हुण किहड़े मूंह नाल साडे कोल वोटां मंगण आए हो, तुसीं सानूं 13 महीने सड़कां दे उत्ते रुलण लई मजबूर कीता, हुण किहड़े मूंह नाल साडे कोल वोटां मंगण आए हो, जे सानूं दिल्ली जाण दी इजाजत नहीं किहड़े मूंह नाल साडे कोल वोटां मंगण आए हो, तुसीं पंजाबियों नूं देश तों वख करके देख रहे हो, देश तों वख कर दिता ते किहड़े मूंह नाल तुसीं साडी वोट दे हकदार हो, असीं उहनां ते सवाल करांगे, उहनां नूं भाजपा नूं हराउण दा काम करांगे, वोट ते छोड़ दा काम करांगे। खराब हो जाए डिविजन होके वोट फिर भाजपा लाभ मिले, इस तरह नहीं, जिहड़ा उन्हां दे मुकाबले ते तकड़ा कैंडीडेट है किसी भी पार्टी का होवे उन्हूं वोट दिओ ताकि भाजपा नूं आउण तों रोकिया जा सके, क्योंकि भाजपा देश लई खतरा है। संभावना यह है जे भाजपा दोबारा आ गई तो संविधान नहीं बचना, संविधान नहीं बचना, लोगों के हक नहीं बचने, इतने डिक्टेटरशिप होएगी, इतने टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, ना बिजनेस बचेगा, ना इंडस्ट्री बचेगी, ना खेती बचेगी, कोई सैक्टर नहीं बचेगा, हर सैक्टर के विच कॉर्पोरेट्स छा जाएंगे, तो इस करके जरूरी है मोदी की सरकार को इतों छुट्टी करना देश के हित च है। शहीद भगत सिंह की पग बन के अते उन्हां दा शरधालू कहाण वाला भगवंत मान अज भगत सिंह की एक भी गल उते नहीं चल रहा ते उह केंद्र सरकार दा हथ ठोका बन के पंजाब नूं गुलाम करन उते तुरिया होया। यह कहना है समाज सेवी भाना सिद्धू दा, जिन्हां किसानी मुद्दे उते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं घेरिया। जिक्रयोग है कि भावें पंजाब सरकार ने साइलोज संबंधी यू टर्न लै लिया पर फिर भी इसका तिखा विरोध लगातार जारी है। ਬਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੰਮੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਬੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ,
क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए थे, हुण काले अंग्रेज ने जिहड़े जिन्हां दे हाथ दे विच देश दे जिन्हां दे हाथ दे विच देश है, वह भगत सिंह ने भी कहा सी वी गोरे अंग्रेज चले गए काले आ गए, पर काले अंग्रेज किवें देश नूं लुट रहे नेगे। इहदे विच जिहड़ा सब तो वड्डा भगत सिंह दी पग बन्नी फिरदा, भगत सिंह दा सरधालू कहाउण वाला, भगत सिंह दीआं गल्लां करन वाला, अज भगत सिंह दी इक वी गल ते नहीं चल रहा, वह हथ ठोका बन के पूरा हथ ठोका बन के पंजाब नूं इस टाइम गुलाम करन दे तुलिया होया। चाहे एन एस ए की गल कर लो, चाहे जिहड़े फौज टुकड़ियां लाउण दी गल कर लो, जो सेंटर गौरमेंट कहिंदी आ, हुण सेंटर गौरमेंट ने नवां फरमान जारी करिया कि पंजाब दा मंडीकरण खत्म करना, वो मंजूरी पंजाब गौरमेंट जिहड़ी कि कणक दी आ जिहड़ी मंजूरी उहनूं अपना इन्हां नूं कारपोरेट घराणे नूं देवे, सैलों नूं देवे। हुण इहदे विच वीरो ट्रांसपोर्ट सारी खत्म होणी आ, ट्रक्कां वाले वीरां दा नुकसान होणा, मजदूरां वीरां दा नुकसान होणा, पल्लेदारां दा नुकसान होणा, क्योंकि किसान तां इस चीज़ लई लड़ ही रहे ने। पर किसानां दे मेरे बेनती है, मेरे जिन्हें भी किसान मेरे भरा नेगे जां मजदूर भरा ने, वो इस टाइम जिहड़े झाड़ू दा झंडा चक्की फिरदे नेगे, जिहड़े पार्टियां दा वख-वख दा झंडा चक्की फिरदे ने, वो तुसीं पार्टियां पिछे लड़ रहे हो, तुसीं अपने पंजाब पिछे कदों लड़ोगे। आ हुण पिंडां दे विच मैं शर्म आउणी चाहीदी, जिन्हें भी आम आदमी पार्टी नाल किसानी मजदूरी वर्ग के लोग जुड़े हुए नेगे, खास करके मैं जिहड़े किसानां दी गल करां, यार तुसीं तां आपां इन्नियां 700 तों वध शहीदियां पा के आया, हुण फिर तुसीं इहनां लई वोटां मंगदे फिरदे हो। वो पिंडां वाले शर्म कर लो यार, थोड़ा तो सारा मंडीकरण, थोड़ी तो सारी किसानी खत्म करती यार, इन्होंने आह मंजूरी दी है, लै आह देख लो आह मंजूरी, आह मंजूरी है, आह मंजूरी पंजाब सरकार ने दी है, दो जवाब इस चीज़ का का साढ़े साडा हुण फिर अज फिर साढ़े किसान जथेबंदियां विरोध कर रहे हैं, 8 तरीक नूं वड्डा मोहाली दे विच कट कर रहे हैं, वख-वख जिलों के कट कर रहे हैं, खनौरी बार्डर से मोर्चा चली जांदा है, तो अपना संभू बार्डर से मोर्चा चली जांदा, वो तुसीं हथ ठोके बन के ना सरकारां लई वोटां मंगदे फिरदे हो। आ जिहड़े मंत्री जिन्ने भी इत्थे तुरे फिरदे ने, जिहड़े लोक सभा दे विच खड़े होए नेगे झाड़ू वाले, तुसीं इहनां दे नाल तुरे फिरदे हो, वो तुहानूं शर्म हैगी कि नहीं हैगी माड़ी मोटी, वो तुहाडे जमीरां जागदियां ने कि नहीं जागदियां, किसानां दे पुत्तो जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री बने बैठे हो, जिहड़े मंत्री बने बैठे हो, वो तुसीं आ कर रहे हो। तुसीं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान अज पिंड चक शेखपुर खुरद विखे पुजे, जिथे उन्होंने लोगों नूं आउण वालियां लोक सभा चोणां दे विच वोटां सोच समझ के पाउण दी अपील की है। उन्हां दा कहना है कि सिख कौम धर्म ते कौमीयत नूं मजबूती देण लई अते अपना आजाद मुल्क कायम करन लई अपने वोट हक की सूझवानता नाल वरतों करे। जिहड़े असीं इत्थे इंडिया च हां, इत्थे असीं हिंदू के गुलाम है, हुण तुसीं दसो कि आपां सोच के वोट पाई है, कदे कोई फैसला लिया है, छेवें पातशाह ने सानू कृपान दिती, हरगोबिंद साहब ने उन्हां दिनां दे विच मुगल राज दे विच जदों गैर मुसलमान कृपान नहीं सी चक सकदा, घोड़े की सवारी नहीं सी कर सकता, सवारी दिती छेवें पातशाह ने, बाज दिते शिकार खेडण नूं, गैर मुसलमान बाज नहीं सी रख सकता, ताज दिता गैर मुसलमान ताज नहीं सी पहन सकता, सारियां चीजां दित्तियां, पर पिछले इलेक्शनां नूं आ राज भाग की निशानी श्री साहब ओम मारी सट के तो की चक लिया झाड़ू। हुण दसो आ कोई साडे विच अकल है, आ कोई अकल है कि राज भाग दित्तियां हुई निशानियां मारियां सिटियां ते चक लिया झाड़ू। जे अपनी चकल घट है, 1999 दे विच जदों मैनूं फांसी आउणी सी, मैनूं तुसीं सारिआं ने वोटां पा के तरन तारन तों MP बनाता, जिथे भी मैं जांदा मैं गौर नाल देखदा कि ये लोग किवें रहिंदे है, की करदे है, की खटदे है। उस वेले माझे दे वड्डा होवे कर छोटा होवे, गरीब होवे, ओ खोता जरूर रखदा सीगा, क्यों करके ओदे ते इट भी लद्दी दी है, पट्ठे भी लद्दी दे है, दाणा भी लब्भी दा जदों चक्की तो आईए।
ते उधर सत्ता दे विच आई आम आदमी पार्टी की सरकार कर्जे चुक चुक के पंजाब दे विच बदलाव लिया रही है। तो यह सरकार पंजाब का कर्जा लुहाउण की थां कर्जे की पंड नूं होर भारी करन उत्ते तुरी हुई है। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक आप सरकार इस साल अप्रैल मई और जून दे विच भारतीय रिजर्व बैंक चों 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा लैण की योजना बना रही है, जिसनों लैके प्रताप सिंह बाजवा ने अपने सोशल मीडिया पेज उत्ते एक पोस्ट शेयर करदे मन सरकार नूं घेरिया। इस पोस्ट दे विच बाजवा का की कुछ कहना सी आओ तुहानूं सुणाने आ। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार दे वल्लों भारी कर्जा लैण की योजना दीयां रिपोर्टां सामने आउण तों बाद विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने सूबे की वित्तीय हालत बारे झूठे दावे करन वाली आम आदमी पार्टी की तिखी आलोचना की है। बाजवा ने कहा है कि आप सरकार इस साल अप्रैल मई और जून के भारतीय रिजर्व बैंक तो 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा लैण की योजना बना रही है। यह नवे वित्तीय साल की शुरुआत है और आप सरकार के अर्थचारे के माड़े प्रबंधन का पर्दाफाश हो चुकी है। उन्हें कहा है कि आप सरकार ने जनवरी और फरवरी 2024 के 3839 करोड़ रुपए और मार्च 2024 के 3800 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। इस तरह आपने पिछले साल भी भारी कर्जा लिया। बाजवा ने कहा है कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय साल 2024-2025 के लिए तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करन दा दावा किया सी, पर उन्होंने यह नहीं दसिया कि सरकार अपने वादे पूरे करन दे लई सूबे के कर्जे का बोझ बढ़ाने की योजना बना रही है। सीनियर कांग्रसी आगू बाजवा ने कहा है कि वित्तीय साल 2024-2025 के अंत तक बकाया कर्जा 3,74,091 करोड़ रुपए होने का अंदाजा है। हालांकि वित्तीय साल 2023-2024 तक सूबे के उत्ते 3,43,000 करोड़ का कर्जा सी। कि आप इसे तरह सूबे की आर्थिकता का प्रबंधन कर रही है? उन्हें कहा है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों चोणों तो पहला वख-वख स्रोतों तो पंजाब का मालिया इकट्ठा करन दे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिन्हां दे विच माइनिंग तो सालाना 20,000 करोड़ रुपए कमाउण दा दावा भी किया गया सी। इस दौरान अपने 2 साल के कार्यकाल दे विच आप दे अर्थव्यवस्था बारे खोखले दाव्यां दा पर्दाफाश हो चुकिया है। बाजवा ने कहा है कि सरकार रूटीन दीयां गतिविधियां नूं उधार ले फंडां नाल चला रही है। उधर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं कांग्रेस अते आप उत्ते तिखे शब्दी वार कीते। उन्हां दा कहना है कि इह दोवें पार्टियां रलियां मिलियां हन ते भोले भाले पंजाब दे लोकां नूं मूर्ख बना रहियां हन। ते उधर दूजे पासे कांग्रेस पार्टी दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बीबा बादल दे बयानां दा जवाब भी दित्ता। बेईमान केजरीवाल गया नहीं, सारी अदालतां ने इहनूं बेल देण तों इनकार करता। इहदे मंत्री 1.5 साल तो बंद ने, उन्होंने भी बेल इनकार करती। इन्ना वड्डा घोटाला जिहड़ा पंजाब जे कीता उस तो उन्ना ही वड्डा दिल्ली जे होया हैगा। ते अज जद केजरीवाल नूं जेल जे सिट्टिया गया है, अदालतां बेल नहीं दे रहियां, ते फिर अपने आप नूं इमानदार कहन वाली पार्टियां उस भ्रिष्ट केजरीवाल दे हक विच अज दिल्ली विच रोस प्रदर्शन कर रहियां ने। मैं तां पंजाब दे कांग्रेसियां नूं पुछना चाहुंदी हां कि तुहाडा राहुल गांधी ते तुहाडी कांग्रेस पार्टी उस भ्रिष्ट केजरीवाल के हक च धरने उत्थे मार रही है। आम आदमी दे लीडर इत्थे दी लोकां दी समस्या नूं सुनन तो बजाए दिल्ली जाके धरने मार रहे ने कि पंजाब कांग्रेस अपना पक्ष स्पष्ट करूगी कि ये जिहड़ा दिखावा तुसी पंजाब वास्ते कर रहे हो कि असी अड अड लड़ रहे हां ते मुड़ के उस गठबंधन च तुसी शामिल हो जाना है। ये दोगली राजनीति दे नाल तुसी किदा बेवकूफ बना रहे हो। कल्ले वोटां दी राजनीति पंजाब दे लोकां नूं वरत रहे हो आपकी कुर्सी के खातिर। तो पंजाब के नाल जिस तरह की बेवफाई इन्हों दोवां भाईवाल पार्टियां ने कीतियां ने, अज पंजाब के लोग इन्हों सबक सिखाने वास्ते बैठे हुए हैं। तो नवी कांग्रेस जिदा ना भाजपा हैगा लेकिन है तो वह कांग्रेस पार्टी। सो ये सारी पार्टियां जिहड़े अज इन्हों का लीडर उस पार्टी का लीडर तीजी पार्टी से, यह सर अदला बदली मौका पर सारे कट्ठे हो गए हैं। दिल्ली वाले जिहड़े कल्ले पंजाब की वोटा ठग के कुर्सी ताईं पहुँचते हैं। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ,
लेकिन सिद्धांतों के उत्ते खड़ी है कि पंजाब की गल करूगी तो पंजाब के हकों वास्ते लड़ूगी। असी कुर्सी के खातिर नहीं किसानों के खातिर खड़ते हैं, असी पंजाब ते पंजाबीयत ते पंथ के खातिर खड़ते हैं। तो ये जो तीनों है ये भ्रिष्टाचार के खातिर ते कुर्सी के खातिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो पंजाब के लोग। आप लोगों ने तरीके से कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ उतारना है उस तरीके से खेल खेल रहे हो। आज भी आपके पास बंगलेज हैं, आज भी आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो दिल्ली सरकार और अमित शाह जी ने दी हुई है। जो आपका रिश्ता है वो दुनिया जानती है, हमारा रिश्ता क्या है और हमने क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि ऐन मौके पर हम क्या कहते हैं, कल भी जो रैली हुई हमने क्या कहा है, हमने कहा है जिस प्रकार की राजनीति हो गई है। एक बार मुड़ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर नूं डॉक्टर धर्मवीर गांधी हराउण की ताक दे विच हन, भावें कि कांग्रेसी उम्मीदवार दे वजो धर्मवीर गांधी दे नाम दा ऐलान तां नहीं कीता गया पर फिर भी लोक सभा चोणां लड़न लई तैयार बैठे हन। धर्मवीर गांधी दा कहना है कि जेकर चोणां दे विच जंग लड़नी ही पई तां उहनां दे मुख निशाने उत्ते बीजेपी होवेगी। मेरे कोल चॉइस कोई नहीं, न्यूट्रल रहना, चुप रहना जां साइड ना लेना, कोई चॉइस नहीं हैगी। इहदा विरोध करना मेरे को चॉइस है, इस करके मैं कांग्रेस गया हैगा क्योंकि मैनू एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिथे मेरी गल गूंज सके, मल्टीप्लाई मैगनीफाई हो सके। तो वो इस करके मैं कांग्रेस की हैगी है, विदाउट एनी इच्छा को मैंने कोई इच्छा नहीं हैगी। आई एम फुल ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी भरपूर हैगा। देखो जिदा बड़ा चैलेंज है, जो कांग्रेस समझती है कि डॉक्टर गांधी इस गल के काबिल हैगा कि वो इस सीट नूं इफेक्टिवली लड़ सकता हैगा और इन्हां ताकतों नूं भांज दे सकता, हरा सकता हैगा, तो लाजमी मैं अपनियां सीमताइयां होने के बावजूद, सेहत दियां, उम्र दियां, फैमिली कंडीशन दियां, उहदे बावजूद, पैसे दियां, मैं उहदे बावजूद ये जंग लड़ूंगा और ये जंग लड़ी जाऊंगी। देखो मेरी बुनियादी फाइट मेरी भाजपा नाल है, क्योंकि भाजपा देश का करैक्टर बदलने जा रही है, देश साडी जमहूरीत नूं खत्म करन जा रही, संविधान नूं खतरा खड़ा हो गया। भाजपा दे इक एमपी ने तां कह भी दिता कि 400 जदों पार दा मतलब है कि असीं संविधान बदलांगे, जो संविधान बदलांगे तां साडे सौ सारे तुहाडा मीडिया दी आजादी खत्म होगी। वोट पाने अधिकार सानू संविधान ने दिते है, रेजर्वेशन संविधान ने दी हैगी है, मतलब आइडिया ऑफ फ्री फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन संविधान है, सानू संविधान ने बहुत कुछ दिता होया, जिस करके असी एक नागरिक तो एक वोटर तो नागरिक बने हैगे। असी राजे की प्रजा नहीं हैगी, असी नागरिक है, साढ़े एको वोट मेरी है, एको वोट राहुल गांधी की है, एको वोट प्रकाश सिंह बादल की, एको महाराणी परनीत कौर की। श्रीमती लोग सभा चोणां तो पहला जोड़ तोड़ का सिलसिला लगातार जारी है, सियासी आगू एक पार्टी नूं छड्ड के दूजियां पार्टियां दे विच शामिल हो रहे हैं। इस तरह अज ओलंपियन मुक्केबाज ते कांग्रेस आगू विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल हो गए। अजे तुहानूं दस दईए कि उन्हां साल 2019 दीआं लोक सभा चोणां दक्खण दिल्ली सीट तों कांग्रेस दी टिकट उत्ते लड़ी सी पर उन्हां नूं हार दा सामना करना पिया सी। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का, और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंदर हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद आप दे आगुआं दे विच रोस लगातार वाधा जा रहा है। इस संबंध दे विच आउण वाली 7 अप्रैल नूं आप वल्लों जंतर मंतर उत्ते जा के बीजेपी का तिखा विरोध करनगे अते भुख हड़ताल भी रखणगे।
जिस संबंधी जानकारी गोपाल राय दे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांझी की गई है। उन्हों का कहना है कि बीजेपी सानू झूठे दोषों के आधार उत्ते एक एक करके गिरफ्तार करवा रही है। उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अगर अपने गांव में चाहें अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में चाहें अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं, तहसील मुख्यालय पर आप उपवास कर सकते हैं, जिला मुख्यालय पर आप उपवास कर सकते हैं, प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं। जाते जाते एक बार मुड़ तो नजर मार लेने हैं हेडलाइंस पे। पंजाब सरकार दे वल्लों साइलोस संबंधी नोटिफिकेशन वापस लैण उते बोले किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल, कहा खुश होने की नहीं है लोड़, चोणा दे मद्देनजर विरोध तो डरदियां लिया गया फैसला वापस। केंद्र सरकार दा हाथ ठोका बन के पंजाब नू गुलाम बना रहा है भगवंत मान, पाना सिद्धू दा बयान, किसानी मुद्दे उते घेरी मान सरकार। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान ने लोगों नू सोच समझ के वोट पाउण दी दित्ती सलाह, कहा अपना आजाद मुल्क कायम करन लई वोट हक दी सूझवानता नाल कीती जावे वरतों। कर्जे दे पार हेठां डुबदा जा रहा है पंजाब, सरकार एक बार मुड़ भारतीय रिजर्व बैंक तो कर्जा लैण दी बना रही है योजना, विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने पोस्ट शेयर करदिया घेरी मान सरकार। सो फिलहाल दे लई पंजाब न्यूज़ विच इना ही, मैनूं दुआ गया, धन्नवाद।